और चलिए अब आपको मार्केट अपडेट बताते चलिए। यूरोप की जीडीपी कम होने की संभावना है, ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना है, फ्रांस में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। तो आज का बाजार अपडेट क्या है वो आपको जल्दी से बता रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस 5% और बढ़ेगी, सिल्वर प्राइसेस और बढ़ेगी, रशिया की गैस सप्लाई बढ़ने की संभावना है, अर्जेंटीना में फ्लोरेक्स इनफ्लो बढ़ने की संभावना है और यूएस में ब्याज दर अभी स्थिर होगी। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ इस मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, देखिए मार्केट अपडेट में आज अगर इंटरनेशनल बाजार की हम बात करें तो यूएस बाजार में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अगर बात करें हम फ्रांस की इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है, तो ज़रा आप बताएं कि क्या अपडेट है। देखिए यूएस की बात करें तो एक चीज क्लियर है, यूएस में एक संभावना जताई जा रही थी कि इन्फ्लेशन काफी कम हो जाएगा, लेकिन वो संभावना सही नहीं हुई। तो अगर इन्फ्लेशन यूएस में कम हो जाता, बहुत ज्यादा कम हो जाता, तो यूएस में इंटरेस्ट रेट आगे चल के कम होने की संभावना थी, लेकिन वो संभावना धूमिल हो गई है। तो यानी वो जो हालात यूएस में यूरोप में चल रहे हैं अभी भी स्लो डाउन के हैं। लेकिन आपने ग्लोबल मार्केट्स की बात की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ कंपेयर करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब की गाइडेंस के अंदर बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही एक्सीलेंट वे से आगे बढ़ रही है। देखिए पहले हम सर्विसेज के लिए जाने जाते थे, आज हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के रूप में बढ़ रहे हैं, चाहे मोबाइल एक्सपोर्ट्स हो, चाहे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो। अब सेमीकंडक्टर में भी इंडिया काफी आगे बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के कई टाइप्स हुए हैं, जिसके चलते हुए सेमीकंडक्टर में भी हम काफी आगे बढ़ने की संभावना रखते हैं, जिससे जो चाइना और ताइवान या ताइपाई का जो एक वर्चस्व था वो भी कम होने की संभावना है। सेमीकंडक्टर, दर्शकों को बता दूं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आत्मा होते हैं, चाहे मोबाइल फोन जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, एलईडी सेट जो हम सबके घर में है, लैपटॉप हम सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो या एलईडी हो, सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है, जिसको हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पूरी इंटेंसिव तरीके से कामकाज हो रहा है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तरक्की कर रही है, और उस तरक्की का फायदा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को हो रहा है। रियल एस्टेट के अंदर काफी अच्छी अप्रिसिएशन हमने देखने को मिली है ऑलरेडी यमुना एक्सप्रेस वे और द्वारका एक्सप्रेस वे में, और आगे भी द्वारका एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे में काफी अच्छी ग्रोथ की इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट में संभावना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी शेयर करने के लिए।